अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 करने लगे हैं। आज हम लोग रीड करेंगे अपने दो टॉपिक्स। नंबर 1, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें सिंबल्स को याद रखने के अलावा किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। पहले हम गाइडलाइंस की बात करेंगे, आपकी बुक पे आ जाएं। मेरे पास पेज नंबर है 12। हियर वी आर, व्हाट आर डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। नंबर 1, ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर हुज ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमने अपनी सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को देख लेना है। नंबर 2, फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। क्लियर बना होना चाहिए और आसान, कोशिश करें कि आप स्टेप्स के अंदर उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। नंबर 3, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली जो हम अपना फ्लो ऑफ डाटा करती हैं वो या लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाती हैं या टॉप से बॉटम की तरफ लेके आती हैं। नंबर 4, ओनली वन लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। जहाँ भी कोई प्रोसेस होगा, जैसे आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है तो रेक्टेंगल में सिर्फ एक लाइन एंटर होगी और एक ही एग्जिट करेगी इससे। नंबर 5, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर द डिसीजन सिंबल बट टू और मोर लाइन्स कैन एक्चुअली एग्जिट फ्रॉम इट। ये हमने देख लिया, डायमंड साइन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। एक फ्लो लाइन इसमें एंटर करेगी लेकिन एक से ज़्यादा फ्लो लाइंस आप देख रहे हैं इसमें हमारे डिसीजन के हिसाब से बाहर जा रही हैं। फिर हम देखते हैं, ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड विद द टर्मिनल सिंबल। जहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम एंड हो रहा होगा तो वहाँ पर हमने सिर्फ एक ही लाइन, एक फ्लो लाइन का इस्तेमाल करना है। ये आप देख रहे हैं, एक लाइन है हमारे पास। फिर द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट मस्ट बी लॉजिकल एंड द कमेंट्स शुड बी रिटन इन रिमार्क्स सिंबल। तो कमेंट्स जो हैं वो हमेशा हम रिमार्क्स सिंबल में लिखते हैं। और द कनेक्टर शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स इन द फ्लो चार्ट इफ़ इट बिकम कॉम्प्लेक्स। अगर एक ज़्यादा डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है तो हम कनेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास फ्लो चार्ट सिंपल हो सके। इट इज़ यूजफुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाई टेस्टिंग इट विद अ सैम्पल डाटा। और अच्छी बात होती है कि हम उसे सैम्पल डाटा से टेस्ट भी कर लें अपने फ्लो चार्ट को। सो ये हमने अपनी कुछ बातें इधर सीखी हैं अपने फ्लो चार्ट की गाइडलाइंस में। मैं क्विकली इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। फ्लो चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रोसेस में एक लाइन एंटर होती है, डाटा फ्लो की एक ही लाइन बाहर जाती है। हमारे पास सिलेक्शन के लिए एक लाइन एंटर होती है हमेशा और एक से ज़्यादा लाइनें जो हैं वो डिसीजन से, डायमंड से बाहर जा सकती हैं। हमारे पास जो है वो टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे होता है आउटपुट प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पर एक लाइन जो है वो आउटपुट को शो करती है, डाटा फ्लो के लिए आती है। हमारे पास जो है एंड हो या स्टार्ट हो वो लॉजिकल होना चाहिए। रिमार्क्स आपने हमेशा इस नोटेशन के अंदर लिखने हैं। सो ये कुछ इसमें हमारे पास प्रोमिनेंट बातें थी जिनका हम हमेशा ख्याल करते हैं कोई भी फ्लो चार्ट बनाते वक्त। एक और छोटी सी बात हमें बता रहा है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बनाने के फ़ायदे पहले देख लेते हैं। जाहिर है इससे हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो पिक्टोरियली, ग्राफिकली नज़र आ जाता है, विजुअली नज़र आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, तमाम प्रोसेसेस वगैरह हमें पता चल जाते हैं और कोडिंग करना बहुत आसान हो जाती है। और इट इज़ एक्चुअली ए पर्टिकुलर गाइड होता है एक प्रोग्रामर के लिए जिसको फॉलो करके वो प्रोग्राम जो है वो लिखता है। तो पहले एडवांटेज की हम बात करते हैं। किताब में हमें क्या बता रहा है, लॉजिक द लॉजिकल ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी
described more effectively with the help of the flow chart. तो हमने देख लिया logics जितनी होती हैं वो flow chart से हम explain कर पाते हैं आसानी के साथ. The flow chart is a part of the design document that makes program maintenance easy. फ़्लो चार्ट बनाने से न सिर्फ प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है बल्कि उसको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि बाद में अगर हम दो साल बाद भी फ़्लो चार्ट देखते हैं तो हमें पूरे प्रोग्राम याद आ जाते हैं हमने कौन सी लॉजिक इस्तेमाल की थी. द फ्लो चार्ट एक्ट लाइक ए गाइड फॉर द प्रोग्रामर, ये गाइड के तौर पर काम करता है प्रोग्रामर के लिए. फ़्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, तो इसी तरीके से कोई अगर एरर आ जाता है हमारे प्रोग्राम में उसको रिमूव करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है. तो ये चार उसने हमें एडवांटेज दिए हैं. डिसएडवांटेज के बारे में बात कर देते हैं. नंबर एक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको फ़्लो चार्ट बनाएँ. द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइन If any change is required, obviously maintenance of software के लिए हमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ती है. तो हर मरतबा जब हम कोई तब्दीली अपने प्रोग्राम में करते हैं तो हमें फ़्लो चार्ट में तब्दीली लेके आनी पड़ती है. तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे. पहले हमने एडवांटेजेस ऑफ फ़्लो चार्ट देखे. आप लोगों ने ऑब्वियसली ये क्वेश्चन याद कर रहे हैं, गाइडलाइंस वाला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था और एडवांटेजेस ऑफ फ़्लो चार्ट शॉर्ट में आ जाता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट भी शॉर्ट में आ जाता है. आपने प्रॉपरली तैयार करना है. ओके, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. खुदा हाफिज़.